हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर वंस अगेन। और मैं आपको बताऊं कि हम अपने 10th क्लास के जो थर्ड चैप्टर शुरू किए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, उसमें हमारा जो पिछला लेक्चर था, मैं पिछले लेक्चर की अभी बात करूं तो वो था न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम भाग नहीं लेते बल्कि उस रिएक्शन में न्यूक्लियस भाग लेते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर थी हमने, लेकिन आपसे कहा था कि आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है और उसे ही सुनना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि कैसे होता है, क्या होता है, ये आपके लेवल की चीज नहीं है, आपको इस पे ज्यादा गौर नहीं करना। आपको जो बताया जा रहा है बस आप उस पे ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस भाग लेते हैं, एटम नहीं लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था, एक बताया था न्यूक्लियर फिशन, जिसमें क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है दो या दो से अधिक न्यूक्लियस में, और इस टूटने के दौरान थोड़ी सी मास की लॉस होती है, और वो लॉस ऑफ मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, ई बराबर एम सी स्क्वायर की वजह से। और उससे इस रिएक्शन के बाद हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी मिलती है। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो इसमें क्या होता है सर कि छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस दौरान भी मास का लॉस होता है, जो मास ई बराबर एम सी स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन के बाद भी हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी मिलती है। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि ज़्यादा एनर्जी हमें न्यूक्लियर फ्यूजन में मिलती है, बट इट इज़ डिफिकल्ट और हमारे लिए कराना मुश्किल होता है, इसलिए हम ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन का इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें आगे बढ़ाना था, वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैंने पिछले ही बार आपको बता दिया था। देखिए, मैं आपसे फिर वही सारी बातें कहूंगा पुरानी जो मैंने आपसे पहले कहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि सबसे पहले आप पावर प्लांट समझें, जो मैंने आपको बहुत बार बता चुका, फिर आ रहा है, कई बार आया कि पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और कौन सी करंट जनरेट की जाती है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट की जाती है। कैसे की जाती है, मैंने ये भी बताया था आपको, ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल सी बात है कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड के पास टरबाइन घुमाना होता है। क्या घुमाना होता है, टरबाइन। टरबाइन की इमेज मैंने आपको भेजी थी, व्हाट्सएप भेजी थी, दिखाया था, सब कुछ किया था। तो आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब उस टरबाइन को घुमाने की जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उसके आधार पे अलग अलग पावर प्लांट बनता है। जैसे आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट, जिसमें आप पानी, हाइड्रो पावर प्लांट, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें आप पानी को बहुत ऊंचाई तक इकट्ठा करते हैं, डैम बनाते हैं, फिर वहां से पानी गिराते हैं, टर्बाइन चलाते हैं, अंततः आपको टर्बाइन ही चलाना है, याद रखिएगा, टर्बाइन चलाते हैं, और फिर आप उस तरह की जो आपके जो क्या बोलते हैं पावर प्लांट होते हैं, उसे आप हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। उसके अलावा आपने एक और पावर प्लांट पढ़ा था जिसका नाम था थर्मल पावर प्लांट, जिसमें आप क्या किए, आपने कोयले को लिया, कोयले को गर्म किया, उस कोयले को आग लगाया जिसकी वजह से पानी गर्म हुआ, पानी को गर्म किया, उसे भाप बनाया, स्टीम बनाया, और उस स्टीम को हाईली प्रेशराइज किया, उस स्टीम को आपने भेजा फिर टरबाइन चलाने के लिए, और इस तरह से जो हमारा पावर प्लांट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। इन दोनों पर चर्चा पर मैं आज जो बोल रहा हूँ लगभग पुरानी बातें ही बोल रहा हूँ अभी तक जो कुछ, इसलिए बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आज आपको जो नया न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना है, इसमें भी तो वही काम होगा, टर्बाइन चलाना होगा, तरीका थोड़ा सा बस अलग होगा। क्या करते हैं, द थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोयले का। बस वही काम नहीं करना है हमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को जो गर्म करना है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो एनर्जी मिलती है उससे गर्म करना है, जिससे हमारा कोयला बच जाता है, बहुत सारे कोयले की खपत बच जाती है। आपको तो ये भी पता है कोयला जमीन के अंदर से निकाल जाता है, एक पेट्रोलियम का हिस्सा होता है, तो वो तो ज्यादा इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएगा, हमने एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। तो एक तो हमारे लिए कई टन कोयले की बचत हो जाती है, और हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। इसलिए आजकल नए नए जो पावर प्लांट होते हैं, ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने की बात की जाती है। खैर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, फाइनली मैं आपको फिर से बता दूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसके बाद की जो एनर्जी होती है उससे पानी गर्म किया जाता है, फिर पानी गर्म करके क्या बनाया जाएगा, भाप। भाप को क्या किया जाएगा, उसे हाईली प्रेशराइज किया जाएगा, फिर उसे कहाँ भेजा जाएगा, टरबाइन के पास। टरबाइन वो चलाएगा, और टरबाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो क्या मिलेगी, एनर्जी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों को सप्लाई की जाती है। यही है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत अलग नहीं है।
वैसे तो अगर मैं आपको किताब दिखाता चलूं और आपको बताता भी चलूं, ठीक है, कि अगर मैं किताब की बात करूं, आपके पेज नंबर या जो भी पेज नंबर हो सकता है किताब के हिसाब से अलग हो, आप इसे देख के पहचान ही रहे हो, तो इसने पूरे आपके पावर प्लांट के कंपोनेंट्स को शो किया है, बनाया है, कंप्लीमेंट दिखाया है, और मैंने लिखने के लिए भी आपको कहा है, नो डाउट। बट मैं कहता हूं इस समय कि आप इस के कंपोनेंट को मत पढ़िए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में कभी पूछा नहीं जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर में बिलावजह अभी पढ़े। अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लिख जरूर लीजिएगा, जब स्कूल खुला पुराने दिन हुए, फिर पहले जैसे बाहर आई, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं कहूंगा कि आप लिख लीजिए, इस पर कोई ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, और बड़े इजिली आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। अच्छा हाँ, एक एक सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं, दो बताए ना आपको, न्यूक्लियर एक का आपको बताया न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक है आपका फ्यूजन, और न्यूक्लियर फिशन हम कराते हैं, क्या कराते हैं, न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और वो हैवी न्यूक्लियस जनरली हम क्या लेते हैं, तो यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम 92-235, ठीक है, इसे ले लेते हैं और इसी को हम तोड़ते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसके कंपोनेंट और इस सारी चीजों का आपको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप जान जाए वो अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है वो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये आपको जो दिख रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, हमने आपको बताया ही था कि दो हल्के न्यूक्लियाई, देखिए दो हल्के न्यूक्लियस है, ये आपके 1H2 1H2, ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, याद रहे एटम नहीं है, बार बार मैं कहता हूं न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियस के बीच होता है, उसमें एटम नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों का कोई लेना देना रोल नहीं है, ये मिले फिर इन्होंने क्या बनाया, हीलियम बनाया, न्यूट्रॉन निकला, डजेंट मैटर, ये पढ़ाया जा चुका है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, कहां से एनर्जी आती है, वो मास की कमी होने की वजह से भी बताया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाई डज न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर आपको मैंने बताया था कि चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी उसमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है स्टार्टिंग कराने के लिए, न्यूक्लियस को कंबाइंड कराने के लिए, मिलने के लिए। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको दे दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम का हो सकता है, बहुत सिर्फ एक वर्ड में आपको आंसर देना है, बहुत डिटेल में नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि सितारों के अंदर और हमारे सन के अंदर जो एनर्जी है वो किस रिएक्शन के है, न्यूक्लियर रिएक्शन के किस रिएक्शन से है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कौन सा, तो फ्यूजन वाला, ये आप इसे पढ़ेंगे तो हमारा जो है कैसे उसमें रिएक्शन कराया जाता है, तो दो हल्के न्यूक्लियस उसमें मिलते हैं और वो एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ये सन और स्टार में जो भी आप एनर्जी देख रहे हैं उसमें यही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं, जो बहुत ही यूनिक बात होगी आपके लिए, कि हमने ये बताया कि इस रिएक्शन के दौरान मास थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सन से एनर्जी हमारे पास आ रही है तो वो वहां का मास जो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में वो आ रहा है, यानी डे बाय डे सन का मास क्या हो रहा है, घट रहा है, वो भले ही थोड़ा 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 बहुत ही थोड़ा घट रहा है, जिससे वो करोड़ों साल रह जाए, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा कि उसका अंत होगा, यानी सूरज का अंत तो तय है, ये विज्ञान कहता है, क्या पता हम उससे पहले हम खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है, और हम नहीं खत्म हुए तो सूरज के खत्म होने के बाद क्या होगा, ये तो विज्ञान के अद्भुत सवालों हैं, इसमें उलझने का क्या है, इंटरेस्टिंग चीजें इंसानों को सोचने मजबूर करती हैं कि एक ना एक दिन सन को खत्म होना ये फैक्ट है, भले इसमें करोड़ों साल अभी बचे हों, लेकिन एक दिन खत्म होना जरूर है, आजीवन ये दुनिया नहीं चलने वाली। ओके चलिए खैर छोड़िए, हम लोग विज्ञान की बात करें, एक आपका एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो आपको अपने से करना है, आप ऐसे होमवर्क समझिए कि क्या अंतर है दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन में, एक होता है फिशन एक होता है फ्यूजन, तो दोनों में क्या अंतर है, ये आपको जो है इस चार्ट में भी दिया गया, आप अपने से लिखें जैसे बनाए, बहुत अच्छी चीज है, और इसके आगे का टॉपिक जो है आपको कल पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियर हैजर्ड, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, हाँ, इससे नुकसान होने वाला और सेफ्टी जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह से होता है, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके थैंक यू, गुड बाय।